सीडीपी सेट वन बी पार्ट इस तरह आपने पहले फेस में लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक लिख लीजिए, इसमें 11 से 20 तक हम डिस्कस करेंगे, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो आंसर ये सेकंड फेज में आपने साथ साथ में आंसर देने हैं। आप वीडियो को रोक के आंसर चेक कर सकते हो। इसका फायदा क्या रहेगा इस वीडियो का, कि आप आंसर देते हो, अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो यहां मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन में रीजन बताया जाएगा, जिससे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और नेचुरली है आपकी ये लर्निंग होगी, ठीक है। अगर आपका आंसर ठीक है जो निकलता, तो वो आपको रीइन्फोर्स करेगा, ठीक, और आपकी लर्निंग पक्की हो जाएगी। उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपके पहले कंसेप्ट को भी और बढ़ाएगी। एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद आप अपने क्वेश्चन या डाउट या रॉन्ग आंसर अपने रॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मुझे प्लीज लिख के भेजें कि ये वाले मेरे रॉन्ग थे, ठीक है। ये मुझे अब तभी आपके जो थिंकिंग प्रोसेस का पता चलेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन उन थिंकिंग प्रोसेस को करेक्ट करने के लिए बनाए जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है जो सीरीज चल रही है, राइट। राइट एंड फुल नेम ऑफ आरटीई एक्ट 2009 इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एलिमेंट्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। हिंदी में इसका आरटीई एक्ट का सही और पूरा नाम क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम, 11th था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंसर आपको देना है, ठीक। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ए लर्नर, यहां भी कर ले साथ साथ में 12th क्वेश्चन, ये रहा। ए लर्नर फ्रीक्वेंटली, बार बार, ठीक है, आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है फ्रीक्वेंटली, ठीक। कंफ्यूज्ड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, बट लेफ्ट एंड राइट हैंड, बट ही इज गुड एट रिकॉलिंग लर्न्ड इंफॉर्मेशन, ही और शी इज, ठीक, क्या है वो, सफरिंग विद विजुअल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेंसरी प्रॉब्लम, लोकोमोटिव प्रॉब्लम, ठीक। हिंदी में है 12th क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी अक्सर बाएं और दाएं हाथ में के बीच में भ्रमित होता है, लेकिन वह सीखी गई जानकारी को याद करने में अच्छा रहता है, ठीक। वह क्या है, दृश्य समस्या से पीड़ित है, स्नायविक समस्या से, संवेदी समस्या से, लोकोमोटिव समस्या से, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, इधर भी कर लेते हैं, ये रहा यहां तक 13th क्वेश्चन। मोस्ट एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अकरिंग इन क्लासरूम इन विच लर्नर्स आर टॉट विद कोऑपरेटिव लर्निंग, डेमोस्ट्रेशन मेथड, यूजिंग स्टिमुलस वेरिएशन, यूजिंग एलसीडी प्रोजेक्टर, ठीक। सबसे सक्रिय शिक्षण सीखने के लिए की प्रक्रिया कक्षा में हो रही है, जिसमें शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है सहकारी शिक्षा से, प्रदर्शन विधि से, उत्तेजना भिन्नता का उपयोग करने से, एलसीडी प्रोजेक्टर का उपयोग करने से, ठीक। ये था 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, द मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स टीचिंग फॉर टीईटी एग्जाम आर यूजिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग गिवन बाय,
प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, नन ऑफ दीज। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट में देखना, थोड़ा चेंज करके डालूंगा, ठीक है। अब आपको अप्लाई करनी है, ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। टीईटी के लिए अधिकांश बहुत ज्यादा यूट्यूबर शिक्षण डैश शिक्षण के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, प्याजे के, वाइगोस्की के, ब्रूनर के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, विच फैक्टर विल अफेक्ट लर्निंग ऑफ ए लर्नर टू हाईएस्ट एक्सटेंड इन इंडियन स्कूल सिस्टम। रिमेंबर इंडियन स्कूल सिस्टम, ये रहा। हाँ, अब आपको इंडियन स्कूल, ये भी एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन कौन सा करेगा, इसको काटा करेंगे। डिसलेक्सिया ऑप्शन नंबर वन, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, बैड स्कूल एनवायरमेंट, मॉडरेट स्ट्रेस लेवल, हिंदी में है ये क्वेश्चन। ये रहा 15th क्वेश्चन, भारतीय स्कूल प्रणाली में कौन सा कारक एक शिक्षार्थी के सीखने को उच्चतम सीमा तक प्रभावित करेगा। डिसलेक्सिया, पढ़ाने का खराब तरीका, खराब स्कूल का माहौल, मध्यम तनाव स्तर। 16th क्वेश्चन, ये रहा 16th क्वेश्चन, ये ए टीचर इज यूजिंग कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इट मींस हिज मेन फोकस इज ऑन साइकोमोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। एक शिक्षक अवधारणा प्राप्ति मॉडल का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब है कि उनका मुख्य फोकस है साइकोमोटर का, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग ए लेसन ए लर्नर राइट डाउन हिज एरर्स एंड बेस्ट स्ट्रेटजीज विच हेल्प इन इफेक्टिव रीडिंग। द लर्नर कैन बी कैटेगराइज्ड एज गिफ्टेड लर्नर, रिफ्लेक्टिव लर्नर, क्रिएटिव लर्नर, हाई अचीवर। 17th क्वेश्चन हिंदी में, एक पाठ पढ़ने के बाद एक शिक्षार्थी अपनी त्रुटियों और सर्वोत्तम रणनीतियों को लिखता है जो प्रभावी पढ़ाने में मदद करती है। शिक्षार्थी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है शिक्षा, उस शिक्षार्थी का क्या वर्ग है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, चिंतनशील शिक्षार्थी, रचनात्मक शिक्षार्थी, उच्च उपलब्धि हासिल करने वाला शिक्षार्थी, ठीक। ये था 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, यहाँ हिंदी में भी ठीक कर लेते हैं यहाँ पर, यस, हिंदी वालों को थोड़ी सहूलत हो जाएगी। A teacher is making many efforts to, ये टू गलत है, यहाँ पर टू लेना है, to create the interest of learners in classroom teaching. The teacher is primarily focusing on cognitive domain, affective domain, cognitive domain, cognitive, affective, यहाँ cognitive आएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ, उधर भी गलत होगा ना, को ने टिप, तीसरा ऑप्शन ये डोमेन, ठीक है, उधर हिंदी में भी ठीक कर दूंगा। कोग्नेटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव एंड साइकोलॉजिकल डोमेन। इधर चलेंगे, एक शिक्षक कक्षा शिक्षण में शिक्षार्थियों को रुचि को पैदा करने के लिए कई प्रयास कर रहा है। शिक्षक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है संज्ञानात्मक डोमेन पर, भावनात्मक डोमेन पर, यहां पर आ जाएगा शारीरिक डोमेन पर, जहां पर शारीरिक, हिंदी में पता नहीं मुझे लिखना आएगा कि नहीं, शारीरिक, शायद ठीक हो, अगर ठीक है तो थैंक यू। शारीरिक डोमेन पर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक डोमेन पर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 19वां। नेक्स्ट, ये 19वां, ये रहा, द बिगेस्ट बैरियर
इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एटीट्यूड ऑफ लर्नर्स मेंटल एबिलिटी ऑफ लर्नर डाइवर्स कल्चर ऑफ लर्नर्स डाइवर्स लिंग्विस्टिक स्टाइल्स ऑफ लर्नर। ठीक है, ये सारे उसकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने इसको इसको फोकस भी किया है मल्टीलिंगुअलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म पर। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है शिक्षार्थी का दृष्टिकोण, शिक्षार्थी का मानसिक योग्यता, शिक्षार्थी की विविध संस्कृति, शिक्षार्थी की विविध भाषाई शैलियां। ध्यान में रखना है कि ये दृष्टिकोण इसका राइट उसका नहीं है, एटीट्यूड को अब एटीट्यूड ही आप ले लीजिए यहाँ पर, दृष्टिकोण इसका राइट ट्रांसलेशन नहीं हो पाई, इसकी जगह पर वृत्तियां भी शायद बोलते हैं मेरे ख्याल में, इसको वृत्ति जो एटीट्यूड है, अगर मैं गलत हूं तो आप एटीट्यूड को ले लीजिए। नेक्स्ट है जी आपका, कहाँ चल गया, 20th गणित शिक्षा में एमसीक्यू 20th। ओके, यहां से है ये, थोड़ा यहां पर ले लीजिए यहां से। ठीक है, इन मैथमेटिक्स क्लास रूम ईशान शोज मोर इंटरेस्ट इन ज्योमेट्री एंड ड्राइंग फिगर मोस्ट इफेक्टिवली एज कंपेयर टू पियर ग्रुप, उनके जो साथी हैं। ही हैज हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस सिंथेटिक इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस स्पेशल इंटेलिजेंस। ईशान जयामित में अधिक रुचि, अब जयामिति इसको मुझे तो नहीं इंग्लिश में पता है, ये अगर आपको इसका नाम पता हो तो आप इंग्लिश में साथ में रीड कर लीजिए, वो थोड़ा आसान कर देता है, अगर आपकी हिंदी इतनी बेटर है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। ईशान जयमिति में अधिक रुचि दिखाता है और सहकर्मी समूह की तुलना में सबसे प्रभावी ढंग से चित्र बनाता है, उसके पास उच्च स्तर है तार्किक गणितीय बुद्धि की, गतिज बुद्धि की, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बुद्धि की, स्थानिक बुद्धि की। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपने आप वीडियो को स्टॉप करके अपना अगर आंसर को ठीक करना है, रीवैल्यूएट करना है, कुछ रीथिंक करना है, रीकंसिडर करना है बार बार उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से, ये करना जरूरी है। वीडियो को रोक के उस पर आप थिंक कीजिए, किसी पिछले क्वेश्चन को दोबारा देखना है, देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप सोच कैसे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, अब ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन आपकी चल रही है, क्योंकि टाइम मैं दे रहा हूं कि आप इम्प्रूव कर सको। ठीक, उसके लिए आपकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है, कैसे आप सोच रहे हैं, ये जरूरी है। उसके लिए आप बाद में लिखिए मेरा ये आंसर रॉन्ग था और मेरा मैंने ये ऐसे सोचा था, आप लिख सकते हो कि मैंने इसका ऐसे सोचा था लेकिन मेरा ये रॉन्ग निकला और राइट आंसर बेशक ये था। ठीक, तो मुझे पता चलेगा कि आप क्यों और कैसा किस कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं। ठीक, अभी फिर वो शुरू कर दो साथ में, जब तक ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ अब मैं राइट आंसर बताने लगा हूं आपको, ये रहा 12th। हिंदी में जरूरत है, हिंदी में जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, चलो साथ साथ में कर लेते हैं, कोई भाषा वाले ना नाराज हो जाए, किसी को नाराज थोड़ी करना है। अब ये रहा 11th क्वेश्चन, ये रहा, ठीक, आरटीई एक्ट का राइट आंसर। ठीक, अगर सीधा सीधा मिलाओगे तो राइट आंसर बन रहा है द राइट ऑफ चिल्ड्रन, 3rd वन इज राइट, 3rd वन इज राइट, दिस इज राइट आंसर। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट नहीं है। ठीक, कंफ्यूजन आपको कहां थी, आप उसके उत्तर में लिख सकते हो साथ में, मेरे घर में इसको साथ में लेके चले कि नहीं।
बारवा क्वेश्चन है, लर्नर फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज बिन लेफ्ट एंड राइट। अगर आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी है तो वेरी इजी होगा, और गुड एट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, जब वो कहता है कि ये ईशान बल्ब ऑन करना और ये किसने बल्ब की खोज किसने की, ठीक, तो वो कहते हैं कि ये एकदम वो लर्न्ड इंफॉर्मेशन। वैसे भी और कई है, तो वो कहता है कि मुझसे और ले जितना मर्जी आप पूछ लीजिए, लेकिन है ना। तो ये लेफ्ट एंड राइट का भी एक सीन है कि उसे परेड हो रही है तो उसमें बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस पर पूरा वीडियो एक बनाया है कि डिसेबिलिटीज क्या है, आधे घंटे का वीडियो है, पूरी डिसेबिलिटीज और क्या कंफ्यूजन है, जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इनको लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट कह दिया जाता है। उस वीडियो में मैंने ये कहा है कि बताया है, क्लैरिटी की है, गूगल पर जो इंटरनेट पर गलत इंफॉर्मेशन है उसका एनालिसिस करके बताया है कि एक्चुअल कंसेप्ट डिसेबिलिटी का क्या है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स पर, डॉक्स में, ठीक है। तो ये रहा आपका, मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि विजुअल प्रॉब्लम है, वो उस वीडियो को देखोगे तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि विजुअल प्रॉब्लम है या सेंसरी प्रॉब्लम है या लोकोमोटिव जो मूवमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो आपका कंफ्यूजन है आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अपना लिखें कि आप कैसे सोचते हो, फिर उसका उत्तर दे दूंगा। 13 क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव है इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक, राइट आंसर इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग ये मेथड बुरे नहीं है अकॉर्डिंग टू वो है, लेकिन यहां पूछा गया है मोस्ट एक्टिव का कौन सा है, मोस्ट एक्टिव है क्योंकि यहां पर सोशली एक्टिव है बच्चे, सोशली एक्टिव है, डिस्कस करते हैं, थिंकिंग शेयर करते हैं, कॉग्निटिवली भी एक्टिव है, ठीक। तो ये द मोस्ट अप्रूव्ड मॉडल इन वर्ल्ड स्कूल एट स्कूल लेवल इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइगोत्स्की को, सोशल कल्चरल जो फॉर्म ऑफ लर्निंग है, सोशियो कल्चरिंग लर्निंग थ्योरी है, ठीक है। तो द बेस्ट आंसर इज दिस, ठीक। हाँ, ये यूजिंग स्टिमुलस वेरिएशन से इससे इंटरेस्ट बनता है, टीचर डोमिनेटिंग है ना, ये आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर डोमिनेटिंग है, यूजिंग एलसी प्रोजेक्टर भी टीचर डोमिनेटेड है, ये डिफरेंस आपको लर्न करना चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड है अप्रोच है। नेक्स्ट है 14, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर टीचिंग, यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर चलते हैं, ये जाते हैं यहाँ पर यूट्यूबर्स, ये रहा यूट्यूबर्स का चैनल, ठीक है। यहाँ पर की उन्होंने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ठीक है, और ये आप यहाँ पर बैठ गए, यहाँ सामने आ गए और इस इंफॉर्मेशन को आपको सेंड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर सेंड कर रहे हैं, और आप जब आपका टाइम लेता है आप उसको देख लेते हो। नाउ नंबर वन, दिस इज ए वन वे प्रोसेस, ठीक, यहां भी वन वे प्रोसेस होगी, दैट इज लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है। अगर ये टू वे कम्युनिकेशन जहां है वहां प्रोबेबिलिटी है कि ये थिंकिंग होगी तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा तो इधर से आंसर आएगा, अगर यहां स्ट्रीम लाइन है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूबर जो यहां पर रीडिंग आपके क्वेश्चन की आती है, आप लिख के भेजते हो, यहां पर आती है रीडिंग, तो इनकी मर्जी है कि वो किस क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे आपकी टीईटी की तैयारी हो रही है, टीईटी के मोस्टली क्वेश्चन ब्लूम की लोएस्ट लेवल की जो रिमेम्बरिंग लेवल है उस लेवल की टीचिंग पर है, प्रीवियस क्वेश्चन कौन से है 90% वो रिमेम्बरिंग लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल पर तो मिल ही नहीं रहे ना, अभी सीटेट ने बात की है, एग्जाम्पलर ने बात की है। तो ये जो तैयारी चल रही है, कंटेंट भी रिमेम्बरिंग लेवल का और प्रोसेस भी वन वे कम्युनिकेशन जिसे ट्रांसमिशन भी कहते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म तो मिस ही मिस है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या डाली हुई है,
ये आप देख सकते हो कि ऑप्शन क्या डाली हुई है। ऑप्शन जो है ये जो देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म यहां तक जाता है, ठीक, तो हम तैयारी यहां से और यहां से भी नीचे लेवल की करवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, यूट्यूब पर ठीक करा रहे हैं, प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्यों दे, क्योंकि पेपर सेटर वैसे क्वेश्चन ही नहीं डालते, लेकिन थिंकर जो है वो थिंक कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर उसको डिस्करेज अगर यूट्यूबर्स करते हैं तो ठीक है, एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप अपना विकास तो करना नहीं चाहते, हम तो सीटेट पीटेट ये यूजीसी नेट ये एग्जाम सिर्फ क्लियर करना चाहते ना, हम अपने आप का विकास नहीं करना चाहते। जब विकास करना चाहोगे तो हायर लेवल के अगर क्वेश्चनिंग इस लेवल की इस लेवल की इस लेवल की इस लेवल की आती है तो फिर उसके उत्तर देने वाला ढूंढना, ठीक। तो प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट था, वाइगास्की कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक, तो इनमें से कोई भी नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट है आपका, चलो इसे रहने दे ऐसे, विच इज द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग हाईएस्ट लेवल, ठीक है, इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। व्हाई डिसलेक्सिया क्यों करेगा भाई, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग क्यों नहीं करेंगे, बैड एनवायरमेंट क्यों नहीं करेगा, ये सारा कुछ है, ये ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि सभी कुछ अट्रैक्ट करेगा आपको, करके देख लो, चैलेंज करके देख लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है, ये थिंकिंग को स्टिमुलेट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बन रहे हैं, यूजीसी लेवल के क्वेश्चन ये बन। अच्छा अब क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है, जो हमारी लर्निंग किस पर बेस्ड है, हमारा एग्जामिनेशन से किस पर बेस्ड है, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, और एक पुअर मेथड से टीच कर रहा है, एक बैड स्कूल एनवायरमेंट है, ठीक है, तीसरा क्या ऑप्शन है यहां पर, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस, शायद आपको पता नहीं है मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है बेस्ट मोटिवेशन करता है, अगर हाई लेवल स्ट्रेस है लो लेवल स्ट्रेस है उसमें से ये नई जानकारी है बेस्ट मोटिवेशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बेस्ट ऑलरेडी बेस्ट है, ठीक। हम कह रहे हैं तो रीडिंग जो राइटिंग जो है आपके क्लासरूम में क्या है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लैंग्वेज ही सारी, आपके पेपर कैसे होते हैं, रीडिंग राइटिंग, ठीक। तो पुअर एनवायरमेंट होने के कारण बच्चा खुद रीड कर सकता है ना, कई गुरु के बिना भी लर्न कर रहे हैं, बीएड में अब स्कूलों में कॉलेज में कौन जाता है, एमबीबीएस की डिग्री आपको नॉन अटेंडिंग मिल रही है अभी, क्या बात है, ठीक है। कुछ बच्चे आप ये देखो कि स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, वो सेल्फ स्टडी जहां ट्यूशन पर जाकर वो कर रहे हैं, बेशक पुअर मेथड ऑफ टीचिंग है स्कूल में, स्कूल का बैड एनवायरमेंट है, लेकिन कहीं और से वो अच्छी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से ले रहे हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन यूट्यूबर इतनी मेहनत करके वो देखो पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट जो कमिंग आ रहा है वो यूट्यूब से ही लर्न करना है, स्कूल में तो बस फीस देनी है, सर्टिफिकेट लेना है, ऐसा कुछ करना होगा। तो जो प्रॉब्लम डिसलेक्सिया की है, डिसलेक्सिया, ठीक है, वो प्रॉब्लम रीडिंग की है, वो बच्चे को रीडिंग तो आ ही नहीं रही, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसको पहले से थोड़ा बार कर दिया जाएगा, थोड़ी पनिशमेंट मिलेगी, थोड़ा को इडियट डफर कहा जाएगा और वो डिप्रेशन में जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी पालेगा और फोकस एग्जाम पर करेगा नहीं, उसकी लर्निंग हम मतलब बहुत बुरी से तरह से होगी डिस्टर्ब। अमेरिका ने 4.3 जो लर्नर है लर्निंग डिसेबल्ड फाइंड आउट करते हैं किए हैं स्कूल एज में से, तो हम तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सके, हम तो बाहर ही निकाल, पता ही नहीं चलता कि है, हमें तो नॉर्मल हमारे घर में नेबरर में वो रह रहे हैं, डिसऑर्डर वाले बंदे रह रहे हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं करें, वो उल्टे सीधे मेथड में पड़ जाते हैं, इसको वो हो गया, इसको ये ऐसा करवा दो, नॉ अनसाइंटिफिक जो एप्लीकेशन ऑफ मेथड कर रहे हैं, तो इन पर भी हम साइंटिफिक एप्लीकेशन पहली आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं सके, दैट इज वाई सफरिंग सबसे ज्यादा इनकी हो रही है। वापस चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, ए टीचर यूजिंग कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जिसमें एग्जांपल्स बच्चों के सामने सबसे पहले रखी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके,
दूसरी तरफ जो एग्जाम्पल नहीं है वो रखी जाती है, ठीक है, ये नहीं 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 है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो बच्चा इन एग्जाम्पल्स को एनालाइज करता है, ठीक है, एनालिसिस में वो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखता है, डिफरेंसेस देखने के बाद कंक्लूजन निकालता है कि कौन सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल से शुरू होके जा रहा है कंक्लूजन या कंसेप्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हमेशा एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस कैसे होगा, थिंकिंग से होगा ना, इमोशन से होगा, थिंकिंग से होगा ना, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस को कंपेयर करोगे, थिंकिंग से होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, वापस जाके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइकोमोटर उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, और द राइट आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर रीडिंग ए लेसन ए लर्नर राइट डाउन हिज एरर्स एंड बेस्ट स्ट्रेटजीज। हमें देखो ये स्ट्रेटजीज, ये बनने के लिए नेशनल पॉलिसी भी कर रही है, करिकुलम फ्रेमवर्क भी कर रहा है, सीबीएसई के इतनी अच्छी डायरेक्शन एक्सरसाइज है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्या आप कर रहे हो, जब आप एक टीईटी देते हो, सीटेट है या पीटेट है या कोई एग्जाम है, उसके बाद आप लिखते हो कि इस एग्जाम में मेरी क्या एरर थी, मेरी क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रही, इतना करना शुरू कर दो। इतना आपको कंटेंट यूट्यूब से, इधर से उधर से, बुक्स में पढ़ते हो, कोचिंग लेते हो, अगर रिफ्लेक्ट कर लोगे, अगर रिफ्लेक्ट कर लोगे, अपने ही एक्सपीरियंस में देखोगे बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम वो इंप्रूव हो जाएगा, 8-10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक। सो द आंसर इज रिफ्लेक्टिव लर्नर, अपनी एक्सपीरियंस किए हुए को एनालाइज करना इज अ रिफ्लेक्शन, ठीक। 18th क्वेश्चन, ए टीचर इज मेकिंग मेनी एफर्ट टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। हाँ, इंटरेस्ट बना रहा है उनका, इंटरेस्ट है ना फोकस, हाँ इंटरेस्ट है फोकस, सॉरी इंटरेस्ट फोकस है। तो देखिए कॉग्निटिव में आ रहा है, कॉग्निटिव में आ रहा है, इंटरेस्ट इज अफेक्टिव डोमेन, ठीक। इंटरेस्ट, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। मोटिवेशन अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, इतनी जानकारी है, मतलब आपके लिए कई क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकती है। नाइट, बिगेस्ट बैरियर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, द बिगेस्ट बैरियर क्या है, आपको क्या लगता है? राइट आंसर इज एटीट्यूड। एटीट्यूड कैन बी कैटेगराइज एज फेवरेबल, अनफेवरेबल। अगर आप टीचर के, टीचिंग के, एजुकेशन के, मैथ्स के, किसी सब्जेक्ट के फेवर में सुनना ही नहीं चाहते, ये टीचर ही मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पनिशमेंट करता है, एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, तो वो कितना भी बढ़िया क्यों ना पढ़ाए, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ठीक। सो द राइट आंसर इज 20th क्वेश्चन है, इन मैथमेटिक क्लास द ईशान शो मोर इंटरेस्ट इन ज्योमेट्री, ओके, एंड ड्रॉ फिगर। अब ये ड्रॉ एंड फिगर क्या है, ये देख लीजिए, यहां पर है द अंडरलाइन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां पर पड़ा है। क्या ड्राइंग फिगर लॉजिकल मैथमेटिक है? नहीं, सिंथेटिक है, नहीं, थोड़ा सा लग रहा है एसोसिएटेड है, इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल होती है कि मैंने अपने आप को देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है, मैंने अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स देखनी है, ठीक है। तो वो है द राइट आंसर इज लास्ट वन, स्पेशल इंटेलिजेंस। ईशान की स्पेशल इंटेलिजेंस आई थी, ठीक। तो दीज वर द क्वेश्चन, काइंडली अपने जो है रॉन्ग आंसर जरूर लिखिए, और अपने डाउट या क्वेश्चन जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस का पता चले, आपने किसी क्वेश्चन का जिसका रॉन्ग आंसर दिया वो क्यों रॉन्ग दिया, अगर वो लिख सको तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका साथ में ही निकालता हूँ, कोई सजेशन हो जरूर दीजिएगा। थैंक यू।